सुशांत सिंह राजपूत के जो पिता हैं उन्होंने पहले अदिति ठाकरे के नार्को टेस्ट की बात की थी, पर अब उन्होंने कहा जा रहा है कि कोर्ट का रुख अपना लिया है और वो पहुंच गए हैं दिल्ली हाई कोर्ट। और साथ में कहा जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत को लेकर एक बड़ी खबर निकल के आ रही है, और दूसरी तरफ बॉलीवुड में क्या किसी का ब्रेकअप हो गया है, बात करेंगे डिटेल में। पर सबसे पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप चैनल पर आए हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सबसे पहले यहाँ पर हम आपको बता दें कि सुशांत केस जब हुआ था तब आपको याद होगा उनका परिवार जो पटना से मुंबई आया था, मुंबई आकर कहा जा रहा है कि सारी विधि पूरी हुई थी, जिसके बाद एक दावा हुआ था कि उनसे सब कुछ डॉक्यूमेंट से या फिर जो बातें थी वो मराठी में की गई थी और कुछ सारी चीज़ें जो थी उनको वो समझ भी नहीं आई थी, जिसके बाद कहा जा रहा है कि वो पटना लौट जाते हैं बिहार, और वहाँ लौटने के बाद पूरा केस की जांच पड़ताल करते हैं। बाद में वो रिया चक्रवर्ती के ऊपर एक केस दर्ज करते हैं पटना में, और उसमें अवॉइडमेंट ऑफ सुसाइड का केस दर्ज किया जाता है, जिसके बाद दावा ये हुआ अभी हाल ही में 6-7 महीने ही बीते होंगे कि जो रिपब्लिक चैनल था वो पहुंचा था उनके परिवार से मिलने, उनके पिता से मिलने, तब कहा जा रहा है कि उनके पिता ने ये बोला था कि डेफिनेटली नार्को टेस्ट होना चाहिए, सच जो होगा वो सामने निकल के आ जाएगा, और ये नार्को टेस्ट जो है वो मुख्यमंत्री जो थे पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के उनके बेटे का नार्को टेस्ट की बात हो रही थी। अभी नार्को टेस्ट की बात क्यों हुई थी, ये कहा जा रहा है कि इसलिए हुई क्योंकि बीजेपी के बड़े नेता हैं उन्होंने ये दावा करा था कि नार्को टेस्ट होना चाहिए। आप जानते हैं नारायण राणे का पूरा परिवार जो है वो इस पूरे मुद्दे में उतर चुका था, और कई सारे लोगों ने बड़े बड़े सच बताए, कई सारे लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी सामने, जिसके बाद देखना को ये मिला कि इस पूरे मामले का जो सच था वो कहीं ना कहीं सामने निकल के आ ही रहा था। तो अब सवाल तो यही उठता है कि आखिर इस पूरे मामले का क्या वो सच है जो सामने निकल के नहीं आ रहा, क्या वो सच है जो सामने दिखाई नहीं दे रहा। और साथ ही साथ अगर हम दावा करें इस पूरे मामले का, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अब फाइनली कई महीने बीतने के बाद जो उनके पिता हैं के सिंह जी वो पहुंच गए हैं दिल्ली हाईकोर्ट, और दिल्ली हाईकोर्ट उनके पहुंचने का रीज़न ये है कि सुशांत सिंह राजपूत को लेकर जो बॉलीवुड पूरा शांत था, जो बॉलीवुड सुशांत केस में चुप्पी नहीं तोड़ना चाहता था, वही बॉलीवुड की अगर हम बात करें तो वही बॉलीवुड सुशांत के ऊपर क्या फिल्में बनाना चाहता है, क्या वही बॉलीवुड सुशांत के ऊपर बुक्स लिखना चाहता है, कुछ ऐसा हो रहा है। उनके पिता ने साफ बोला है दिल्ली हाईकोर्ट को, पहले एक फिल्म आई है उसको रोका नहीं गया, 4 फिल्में बन चुकी हैं सुशांत के ऊपर, बुकें लिखी जा रही हैं 2 लगभग, और आज भी सुशांत सिंह राजपूत को न्याय नहीं मिला है, उनके मामले की जांच चल रही है। तो उनके ऊपर क्यों ऐसी कहानियां बनाई जा रही हैं जिसका कोई महत्व नहीं है, अगर कुछ बनाना है कुछ लिखना है तो परिवार से परमिशन लीजिए या तो मत बनाइए। तो इस प्रकार कहा जा रहा है कि एक याचिका दाखिल की गई है, एक फ्रेश याचिका कहा जा रहा है कि परिवार के द्वारा दाखिल की गई है दिल्ली हाईकोर्ट में। अब देखने वाला विषय ये है कि आखिरकार इस याचिका में जो कुछ कहा गया है परिवार के द्वारा, क्या उसके बारे में दिल्ली हाईकोर्ट सोचेगा, कि आने वाले वक्त पर ये बोला जाएगा कि सुशांत के ऊपर जो फिल्में बनाई जा रही हैं, बुक लिखी जा रही हैं, वो कुछ करने से पहले सुशांत के परिवार से परमिशन ली जाए और उसी के बाद कुछ ऐसा किया जाए जिससे परिवार को हर्ट ना हो। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें अब बोली जा रही हैं, बताई जा रही हैं, जिसके बाद सवाल यही उठ रहा है कि आखिरकार इस पूरे मामले में क्या ऐसा सच छुपा हुआ है जिस सच के बारे में आज भी लोग चुप्पी साध के बैठे पड़े हैं, क्योंकि फिल्में बनाने वाले लोग फिल्में बना रहे हैं, बुक लिखने वाले लोग बुक लिख रहे हैं, पर मामले का सच कितना बाहर निकल के आ रहा है ये सब आपके सामने है। अब उम्मीद है कि इस मामले का जो भी सच होगा वो जल्द बाहर निकल के आए, क्योंकि जिस तरीके से ये मामला चल रहा है और जिस तरीके से इस मामले में CBI का गठन किया गया, SIT का गठन की बात की गई, क्या इन गठन जो CBI एजेंसीज का SIT टीम का गठन करने की बातें की गई थी, ये सिर्फ गठन ही हो जाएंगी, मतलब ये सिर्फ आएंगी और अपनी जांच करती ही रहेंगी, कभी सच बाहर आएगा इनके द्वारा या नहीं आएगा ये कोई नहीं जानता। अब देखने वाला विषय यहाँ पर यही है कि आखिरकार बड़े बड़े मंत्री जो दूर दूर से अलग अलग दिखते हैं, दूर से दुश्मन दिखते हैं, क्या करीब से वो दुश्मन होते हैं? बिल्कुल नहीं। जैसे एक टीम होती है प्लेयर्स की, वो फील्ड में आपको दिखेगी लड़ते भिड़ते, पर आफ्टर मैच वो भी पार्टी करती है साथ में, वो भी घूमती फिरती है साथ में, वो भी दोस्ती निभाती है। तो इसी तरीके से चुनाव में पहले तो आमने सामने लोग खड़े होते हैं, वैसे ही चुनाव के बाद सब एक हो जाते हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोग जानते हैं कि अगर सुशांत मामले में बहुत कुछ छुपा हुआ है, अगर इस मामले में कुछ गड़बड़ है, तो एक सच बाहर आएगा तो पोल सबकी खुलेगी। तो कहीं ना कहीं इस मामले को देखा जाए तो फिलहाल प्रतीत ऐसा कुछ हो नहीं रहा कि इस पूरे मामले को लेकर कोई बड़ा खुलासा होने वाला है। अब देखने वाला विषय यही होगा कि आखिरकार इस पूरे मामले का क्या सच सामने निकल के आएगा, क्या होगा इस पूरे मामले में जो सामने निकल के अभी आना बाकी है, तो देखने वाला विषय है। पर वहीं पर हम साथ में बात करें तो बॉलीवुड का हाल पहले भी हाल था, और बॉलीवुड को लेकर ब्रेकअप की खबरें तो निकलती रहती हैं,
जहाँ पर कहा जा रहा है कि बॉलीवुड का एक बहुत बड़ा रिलेशनशिप था, एक बहुत फेमस रिलेशनशिप था, जो था अर्जुन कपूर का और मलाइका अरोड़ा का। जी हाँ, ये रिलेशनशिप को लेकर आज भी चर्चा होती है, क्योंकि मलाइका अरोड़ा पहले खान परिवार की बहू थी, पर अब कहा जा रहा है कि वो वहाँ से डिवोर्स ले चुकी हैं और अब फिलहाल वो अर्जुन कपूर के साथ रिलेशन में है, ऐसा दावा मीडिया करती है। पर अब वहीं पे कहा जा रहा है कि जो अर्जुन कपूर हैं वो एक सोलो ट्रिप में दिखाई दे रहे हैं, तो पब्लिक ने कह दिया क्या भैया ब्रेकअप हो गया क्या, क्योंकि अर्जुन कपूर मैक्सिमम सोलो ट्रिप में नहीं जाते हैं, हमेशा वो मलाइका अरोड़ा के साथ दिखते हैं। मुंबई में होते हैं तब भी वो उनके साथ दिखते हैं लंच डिनर में, और अगर बाहर होते हैं तब भी वो मलाइका के साथ दिखते हैं। पर अब कहा जा रहा है कि मलाइका मुंबई में शूट कर रही हैं और अर्जुन बाहर कहीं घूम रहे हैं सोलो ट्रिप में, और इन सारी पिक्चर्स को देखने के बाद लोगों ने कह दिया भैया लगता है ब्रेकअप हो गया है। पर यहाँ पर क्या सही में ब्रेकअप हुआ है, क्योंकि ऐसा दावा होता है कि इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं पर सामने निकल के नहीं आती हैं जल्दी। क्या अर्जुन और मलाइका का ब्रेकअप सच में हो चुका है या फिर ये सिर्फ एक अफवाह है, आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स आपके लिए खोला है, हम मिलेंगे बहुत जल्दी और साथ में आपसे अपील करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ में हमारा नया चैनल सागर वाला रिव्यू, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं मिले तो आप यूट्यूब में जाकर सर्च कर लीजिएगा, आपको वहाँ मिल जाएगा। हम मिलेंगे बहुत जल्दी, नमस्कार, जय हिंद।